सोलन में नशे पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई अमल में ला रहा है। पुलिस को पकड़ने के लिए जिला में विशेष मुहिम भी चलाई जा रही है। पुलिस द्वारा जिला के विभिन्न क्षेत्रों में गुप्तचरों को सक्रिय कर दिया गया है और जैसे ही कोई जानकारी उन्हें प्राप्त होती है तो तुरंत पुलिस हरकत में आकर नशे का काला कारोबार करने वालों को धर दबोचती है। इस अभियान को और भी तेज कर दिया गया है। नववर्ष के स्वागत के लिए आयोजित पार्टियों पर पुलिस की विशेष नजर रहने वाली है ताकि नशे के काले कारोबार पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके। ये जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा ने मीडिया को दी। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा ने बताया कि नशे के खिलाफ उनका अभियान जारी है। इस माह में विभाग द्वारा चिट्टे अफीम और चरस के 9 मामले दर्ज किए हैं और 15 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। वाहनों का निरीक्षण किया जा रहा है। संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला में अपराध और नशे को समाप्त करना पुलिस का एकमात्र लक्ष्य है, जिसके लिए विभाग द्वारा पुरजोर कोशिश की जा रही है। अभी तक हमने इस महीने में चिट्टा, भांग और अफीम के कुल 9 केस दर्ज किए हैं, जिसमें करीब 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। और हमने एक मुहिम चलाई है कि जो भी बसें बाहर से आ रही हैं, जो भी छोटे वाहन आ रहे हैं, उनको लगातार चेक कर रहे हैं और इसके लिए नाकाबंदी भी की जा रही है और जहाँ जहाँ शंकित जगह है वहाँ पे छापेमारी की जा रही है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा केस पकड़ सकें। हाँ, नशे को हमें जड़ से ख़त्म करना है तो ये मुहिम हम लगातार जारी कर रहे हैं। मतलब सभी थानों में हमें हिदायतें दी हैं कि वो डेली हर रोज़ छापामारी करें और NDPS के केसेस पकड़ें। कुछ लोग बाहर से, राज्य के बाहर से सप्लाई लाते हैं और कुछ एक लोग जो है राज्य में ही, राज्य से ही सप्लाई लाते हैं। तो जहाँ भी हमें ज्ञात होता है कि ये सप्लाई जहाँ ओरिजिन है इसका, वहाँ पे हम एकदम से छापेमारी करते हैं।